नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। अगर आप नेट बैंकिंग कस्टमर हैं तो फिर सावधान हो जाइए। अगले आधे घंटे के लिए रिमोट साइड में रख दीजिए और ध्यान से देखिए, हो सकता है अभी तक आपका वास्ता ऐसी धोखाधड़ी से न पड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह सेफ हैं। चैन की नींद सोनी है तो अभी आपको आंखें खोलनी ही पड़ेंगी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सिर्फ 45 मिनट के अंदर खाते से 1 करोड़ रुपए निकल लिए। शायद 1 करोड़ रुपयों को गिनने में भी इससे ज्यादा वक्त लगे, लेकिन ऑनलाइन ठगों ने इसे इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि बैंक भी हाथ मलता रह गया। ये रुपए निकाले गए नेट बैंकिंग के जरिए। हालांकि मामला खुला तो कार्रवाई भी तेजी से हुई और उन खातों को फ्रीज कर दिया गया जिनमें ये रकम ट्रांसफर हुई थी। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के आरोप में पकड़ा गया है। ये रकम एक प्राइवेट कंपनी के खाते से निकाली गई, जिसे उसके डायरेक्टर अंकुर कुराने ऑपरेट करते थे। पुलिस के मुताबिक गुरुवार की सुबह 45 मिनट में अलग अलग किस्तों में 1 करोड़ रुपए निकाले गए। ये रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। हैरान परेशान अंकुर ने इसकी शिकायत आईटी एक्ट और आईपीसी के तहत मुलुंड पुलिस थाने में दर्ज करवाई। एक एक्यूज को पकड़ा गया है, जबकि वो अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए बैंक में जा रहा था। अब बाकी अकाउंट्स की डिटेल चेक की जा रही है, किनका है उनको चेक किया जा रहा है। हमें इसमें कई इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं, हम उन क्लूज पे काम कर रहे हैं। पुलिस ने उन 12 खातों को भी जब्त कर लिया है जिनमें ऑनलाइन ठगी से रकम ट्रांसफर की गई। छानबीन में पता चला कि ये ठगी रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट सिस्टम के जरिए की गई। पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल ठगी के बाकी आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। प्रियंका वानखड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज मुंबई। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा इस वक्त हमारे साथ हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जीएम रिटेल डॉक्टर राम एस सांगापुरा इस वक्त हमारे साथ हैं और मुंबई पुलिस की साइबर विंग के इंस्पेक्टर मुकुंद पवार भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप तीनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल हर्ष जी आपसे है, सबसे पहले तो हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन ठगी की जाती है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है, मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है? खैर एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ ये तो कहना मुश्किल है जब तक डिटेल्स नहीं होगा, लेकिन एक तरफ से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ऑल्दो ये ठगी हुई है, शायद इवेंचुअल लॉस इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब जो सेफ्टी सिस्टम्स हो गए हैं, जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ उनको SMS आ गया तो उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए वो फ्रीज हो गए हैं, तो हो सकता है कि इवेंचुअली शायद कुछ भी लॉस नहीं हो। तो जो ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, ऑब्वियसली जो आज हमारे एग्जिस्टिंग फिजिकल सिस्टम्स हैं उनमें भी ठगी होती है और होती रही है कई सालों से। ऑनलाइन अब एक नई टेक्नोलॉजी है तो उसमें भी ठगी होगी, उसमें भी हमको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन इसमें जो सेफ्टी मेजर्स है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर वहां पे अपडेट करवा रखा था, अगर आपने ईमेल्स अगर अपनी अपडेट करवा रखी हैं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल गई। आई थिंक ये एक जी हर्ष जी, जो सेफ्टी मेजर्स की जो आप बात कर रहे हैं, दरअसल इस पर हम जवाब लेते हैं। डॉक्टर रामेश सांगापुरे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांगापुरे जी, ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म की बात की जा रही है, ये किस तरह के मैकेनिज्म है और अकाउंट होल्डर्स के मन में बहुत ही ज्यादा डर पैदा हो गया है ये पता चला इस घटना के बारे में कि 1 करोड़ रुपए निकाल लिए गए आपके अकाउंट से, तो हर किसी के मन में ये सवाल है कि उनका बैंक अकाउंट कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है? देखिए, बैंक अकाउंट की सेफ्टी के बारे में अगर आप बात करना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि सभी बैंकों ने सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रांग ले रखे हुए हैं और ऐसे हादसे होते रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन वो हादसे कम से कम हो और अपने ग्राहकों को नुकसान ना हो, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए हुए हैं बैंक्स ने। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में बैंक ने SMS अलर्ट फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को दे रखी है, जैसे ही कोई गलत हो जाए तो इमीडिएटली अगर उसको बैंक के तरफ से अगर अलर्ट जाता है कि आपके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, अगर कस्टमर अलर्ट है और उनको पता चला कि मैंने तो एक पैसा नहीं निकाला है, तो इमीडिएटली वो बैंक को बोल सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि उसके अकाउंट से अनऑथराइज्ड पैसे
निकाले गए हैं या ट्रांसफर किए गए हैं, तो इससे कई हद तक ऐसे जो घटनाएं घटती हैं इस पर नियंत्रण आ सकता है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन होते हैं, दरअसल संगापुरे जी, तो किस तरह से कितने अलर्ट होते हैं बैंक, हम इस पर लौट कर आएंगे अभी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मुकुंद जी भी जुड़े हुए हैं। मुकुंद जी, और ऐसी जब घटनाएं होती हैं, अपराधियों को पकड़ना कितना मुश्किल काम होता है? ऐसे अपराध जब भी पुलिस थाने में दर्ज होते हैं जी, तो इसके ऊपर इमीडिएटली हम हमारे सुपीरियर्स का इंस्ट्रक्शंस लेकर उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई हम तुरंत चालू कर देते हैं। एज फार एज दिस नेट बैंकिंग फ्रॉड इज कंसर्न, इट हैज़ बीन डन थ्रू इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, सो इमीडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग फर्स्ट थिंग दैट वी आर फ्रीजिंग द कंसर्न बैंक अकाउंट थ्रू विच थ्रू फ्रॉम देयर द अकाउंट हैज़ बीन द मनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। सेकेंड, उसका हमारा एक इम्पॉर्टेंट काम ऐसा रहता है कि द मोमेंट वी हैव फ्रीज दोज बैंक अकाउंट्स, इमीडिएटली वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन फ्रॉम द कंसर्न बैंक, जिस बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ होता है उस बैंक के, ये ट्रांजेक्शन के पूरे डिटेल्स हम लोग लेते हैं जी। इस डिटेल से हमें पता चलता है एग्जैक्टली कौन से आईपी एड्रेस से ये ट्रांजेक्शन हो गया है। द आई पी एड्रेस मिलने के बाद इमीडिएटली वी आर गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट आई पी एड्रेस फ्रॉम कंसर्न ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर्स को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और साथ ही साथ बैंक्स को कितना अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की ऑनलाइन ठगी को अंजाम न दे पाए अपराधी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आइए दिखा देते हैं आपको झलक, क्या खास आप देखने वाले हैं आज रात 8 बजे।